हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी नेचुरल खुशी। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ हिमालय प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो शेयर करने वाली हूँ, जो कि हिमालय पेरिफार्मिंग फेस वॉश है। काफ़ी अच्छा फेस वॉश और काफ़ी लोग इसका यूज़ भी कर चुके हैं। और किस प्रॉब्लम में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पहले जब मेरे पिम्पल हो रहे थे स्टार्टिंग में, तो मैंने इसका यूज किया था और इसका बेनिफिट मुझे कैसा मिला कैसा नहीं मिला, मैं सब कुछ आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, देख सकते हो ये है हमारा प्रोडक्ट हिमालय पेरिफार्मिंग नीम फेस वॉश, और ये काफ़ी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं और इसके बेनिफिट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं इसके। सो सबसे पहले ये दिखाऊँ इसकी पैकेजिंग, ये प्लास्टिक का है पैकेजिंग, और मैंने इसका ऑलमोस्ट इतना यूज़ भी कर चुका है मैंने। तो ये है इसका कैप, इसका कैप टिक टैक वाला है। और इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है वो है 70 रुपीज़, और इसकी क्वान्टिटी की बात करें तो 50 ml है। और इसकी सेल्फ लाइफ की बात करें तो इसकी सेल्फ लाइफ है 3 ईयर। और ये आपको वर्क कैसे करता है, आप जब भी अपना फेस क्लीन करने जाते हो, अगर आपके फेस पे पिंपल वगैरह हैं, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लो, उससे अपना फेस धो लो, धोने के बाद से आप इसका यूज़ करो। फेस वॉश लगा के उसको हल्के हाथों से 5 मिनट तक उसको धीरे धीरे मसाज दो। जिनके फेस पे पिंपल हैं, ज़्यादा रगड़ के मसाज नहीं देना, क्योंकि जब ये हमारे पिंपल फूकते हैं ना, उसमें से जो पानी निकलता है, उसका जो बैक्टीरिया होता है ना, वो हमारे फेस पे पूरा लग जाता है, और वो लगने की वजह से हमारे जो पिंपल होते हैं ना, वो और भी ज़्यादा होने लगते हैं। इसके लिए हमारे जब भी हम अपना फेस क्लीन करते हैं, तो हमारे ओपन पोर्स जो है वो क्लीन हो जाते हैं, और जब भी क्लीन हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे ओपन पोर्स के अंदर जब भी घुस जाते हैं ना उनके पानी बैक्टीरिया जो भी होते हैं, उसकी वजह से और पिंपल होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बोल रही हूँ कि आपको गर्म पानी क्यों लेना है, गर्म पानी से जब आप अपना फेस क्लीन करोगे तो आपके जितने ओपन पोर्स होंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद से आप इस फेस पैक का यूज़ करो, इस फेस पैक को लो, अपने हाथ पर रफ करो, रफ करने के बाद से इसको ऐसे धीरे धीरे करके इसको 2-4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसाज दो। मसाज देने के बाद छोड़ दो, 1 या 2 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर तब तक आप जो भी आपको नहाना वगैरह है, हाथ पैर धोना है जो धो, फिर उसके बाद उसको अपने नॉर्मल वाटर से इसको अच्छे से क्लीन कर लो। ऐसा करने से क्या होगा ना कि आपके पिंपल जो है वो जल्दी से रिमूव होंगे, और आपके ओपन पोर्स की जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो भी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। अगर जिनके फेस पे पिंपल नहीं है तो वो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, छाइयों की प्रॉब्लम है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको हर एक प्रॉब्लम में इसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। नीम के तो बेनिफिट आपको पता है कि कीटाणुओं को कितने जल्दी मारता है और उनको जड़ से ख़त्म कर देते हैं। और इसमें जो है ऐड किया गया है, उसमें हल्दी भी ऐड किया है, नीम और हल्दी। हल्दी जो है हमारे ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि अगर आपका कट गया कहीं पे, हाथ पैर वगैरह कहीं भी कुछ भी कट गया, उस पर हल्दी लगा दो तो हमारा चोट जो है वो जल्दी से अच्छा हो जाता है। तो आप अगर आपके फेस पे दाना है, दाग धब्बे हैं, तो आप इसका भी यूज़ करो, ताकि आपके जो प्रॉब्लम है फेस की, वो प्रॉब्लम सारी रिमूव हो जाए, जड़ से रिमूव हो जाए धीरे धीरे। हाँ, ये थोड़ा टाइम लेता है आपके फेस से पिंपल को रिमूव करने में। ऐसा नहीं कि मैंने आज लगाया कल मुझे रिजल्ट मिल गया, ऐसा नहीं होता। आपको लगभग 1 हफ्ते तक इसका यूज करना होगा, और 1 हफ्ते के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे फेस से कुछ रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि कुछ का मतलब ऐसा होता है ना कि थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, और जिनके थोड़े बहुत हैं उनको तो पता चल जाएगा कि मेरे एकदम से अच्छे हो चुके हैं। तो 1 हफ्ते तक इसका डेली यूज़ करना है, सुबह और नाइट दोनों में यूज़ करना है। और मैंने ऑलरेडी क्रीम के बारे में बता रखा है, अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो पिंपल वगैरह में क्रीम कौन सा यूज़ करें, ताकि हमारा फेस जो है वो अच्छे से क्लीन रहे और पिंपल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आप इसके साथ में उस क्रीम का भी यूज़ करो। और हाँ, एक बात और बता दूँ कि इसको आल टाइप के स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं 5-7 से 8 साल के बाद ही इसका यूज कर सकते हैं बच्चे भी। सो ये सब लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं यूज़ कर सकता है, आल टाइप स्किन वालों के लिए सभी यूज कर सकते हैं। सो इसको मैंने ओपन किया, अब मैं इसको प्रोडक्ट इसका दिखा देती हूँ। इतनी क्वांटिटी में लेना है आपको, अगर आप चाहो तो आप अपने फेस पे ज़्यादा टाइम तक, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अपने फेस पे ऐसे लो, ऐसे करके इसको अच्छे से अप्लाई कर लो।
जैसा कि हम कोई भी पील ऑफ मास्क लगाते हैं ना, सेम आपको वैसे ही इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे। और इसकी स्मेल की बात करें तो इसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि कोई भी हैवनेस नहीं। और इससे फेस अपना वॉश करने से क्या होता है ना कि लगता है जैसे मेरा फेस कितना फ्रेशनेस और कितना मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है हमें इससे लगाने से। और इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छा, और इसकी स्मेल ना थोड़ी भीगनी थोड़े ज़्यादा टाइम तक इसकी स्मेल रहती है हमारा फेस क्लीन करने के बाद भी। तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है, बस ऐसे लगा के आपको 4 से 5 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद से अपना फेस वॉश करके कर लो और आप अपना फेस देखोगे कि कितना अच्छा क्लीन और काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा करने से। तो मैं 5 मिनट के बाद इसको धो लूँगी, धोने के बाद से आपको बता दूँगी कि कैसा है। बट मैंने इसका पहले भी यूज़ किया तो मुझे सब पता है, तो मैं आपका अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, आप ऐसे इसको करके क्लीन करो अपना फेस और अपने जो भी फेस पे प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लम को रिमूव करो। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।